शांति। आज हमें ये भी क्लैरिटी नहीं होती है कई बार कि ये सही है, जब हम ये भी कहते हैं राइट पाथ तो हमें ये भी नहीं पता है कि क्या ये पाथ राइट पाथ है। तो राइट किसको कहेंगे? मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ये कर्म ये राइट है, तो कैसे चेकिंग होगी? कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या ये राइट है, तो ये कैसे चेकिंग होगी? तो उसको ऑपोजिट करते हैं, ऐसा कोई भी पाथ जिसमें, ऑपोजिट करो उसको, हाँ, विच मीन्स ऐसा पाथ जिसमें हम खुद को भी सुख दें और दूसरे को भी सुख दें, विन विन ही होगी हमेशा। कोई भी चीज़ जिसमें आप खुद सुखी होंगे तो वाइब्रेशन आप कौन सी रेडिएट करेंगे? सुख की करेंगे, तो दूसरे को भी आप क्या देंगे? सुख ही देंगे। लेकिन आप सिर्फ बाह्य रीति से कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि ये सुख है, लेकिन अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ईर्ष्या है, कुछ ऐसी भावना है, तो हम वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट कर रहे हैं? तो वो वाइब्रेशन ना हमें सुख देगी ना औरों को सुख देगी। सक्सेस, आज हम सक्सेस मतलब हमने कितना पाया, एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेजर मैंने कितना पाया, कितनी डिग्रीज एक्वायर की, फिर कौन सी पोजीशन एक्वायर की, मैंने कितना धन एक्वायर किया, मैंने वहाँ करियर में कितना ऊंचा पाया पाया पाया, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें बहुत कुछ पाना है, लेकिन सिर्फ क्या ध्यान रखना था कि बाहर का पाते पाते अंदर भी साथ साथ पाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर पा रहे हैं और अंदर खो रहे हैं। तो सक्सेसफुल वो जो अंदर से भी अमीर हो रहा है बाहर से भी, लेकिन जो बाहर से हो रहा है लेकिन अंदर से वो टेंशन भी क्रिएट कर रहा है, गुस्सा भी क्रिएट कर रहा है, फियर भी क्रिएट कर रहा है, जेलेसी भी क्रिएट कर रहा है, इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर रहा है, तो वो बाहर से कितना भी पाले वो अंदर कैसे हैं खाली होता जा रहा है। तो बाहर से अमीर अंदर से कंगाल, तो फिर सक्सेसफुल कैसे कहेंगे? और जो अंदर खाली तो उसकी सेहत भी, फिर उसके रिश्ते भी, और उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। जितना हमारे पास धन होगा उतने ज़्यादा हम खुश होंगे, क्या ये सही है? जितनी ऊंची हमारी पोजीशन होगी उतने ज़्यादा हम खुश होंगे या संतुष्ट होंगे, क्या ये सही है? नहीं। तो धन कमाना है, कमाना है किस चीज़ के लिए कमाना है? रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हम में से किस किस को फील होता है कि आज नया फ़ोन खरीदेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा? आई बी वेरी हैप्पी व्हेन आई बाय अ न्यू फ़ोन, आती है ना ऐसी फीलिंग? अभी फ़ोन है पास में, निकालो ज़रा हाथ में, लिखाओ फ़ोन सारे, सब अपना अपना फ़ोन, अभी उसको अच्छे से देखना है, ठीक है? ये फ़ोन मुझे क्या क्या दे सकता है? हाँ जी, ये फ़ोन टेंशन नहीं दे सकता, दिस इज़ द प्रॉब्लम। जो चीज़ जो दे सकती है उसको ध्यान से देखो, ये फ़ोन कैसे टेंशन दे सकता है? ये फ़ोन टेंशन कैसे दे सकता है? ये दे सकता है टेंशन? क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता ये टेंशन? कोई भी चीज़ आप मुझे क्या दे सकते हैं?
जो आपके पास है। अभी मैं आपको कहूँ कि मुझे 5 लाख दे दो तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके पास नहीं है। इसके पास टेंशन है, इसके पास टेंशन है, दे सकता है टेंशन नहीं। इसके पास खुशी है, फिर देगा कैसे? ये क्या दे सकता है और ये क्या नहीं दे सकता है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास फ़ोन होना चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, हमें नया वर्जन आएगा तो नया फ़ोन भी चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन किस लिए चाहिए? विद क्लैरिटी हम ये खरीद रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्या देगा? 1, 2, 3, 4, 5, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये हमें क्या क्या दे सकता है? ये हमें क्या क्या दे सकता है? ये हमें कम्युनिकेशन दे सकता है, ये हमें कैमरा दे सकता है, ये हमें गाने दे सकता है, ये हमें GPS दे सकता है, ये हमें ये सब दे सकता है। हाँ, कम्युनिकेशन, ये हमें ये सब दे सकता है। तो बहुत क्लैरिटी से इसको खरीदना है कि ये हमें ये दे सकता है। फिर 6 महीने के बाद एक नया फ़ोन आएगा मार्केट में और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे मुस्कुराते चेहरों के, जो कहेंगे इफ यू बी बाय दिस यू विल बी हैप्पी। एंड हम वो चेहरों को देखते हैं और हमें लगता है कि अगर हम ये खरीद लेंगे हमारे ऊपर भी वही चेहरे की साइज की स्माइल आ जाएगी, क्योंकि हमारा चेहरा थोड़ा सा ऐसे हुआ हुआ है अभी। एंड द होल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज यूजिंग दिस। ये खरीदो तो आप खुश हो जाएंगे, ये खरीदो तो आप खुश हो जाएंगे, ये खरीदो तो आप खुश हो जाएंगे। तो हम खरीदते ही जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, एंड फिर भी हम सब कुछ पाने के बाद क्या कह रहे हैं, क्या नहीं है मेरे पास? क्योंकि हम रॉन्ग चीज़ से वो वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास बहुत खुशी है, ओके नाउ विजुअलाइज, मेरे पास बहुत खुशी है, क्या मैं सैमसंग के शोरूम में जाके ये फ़ोन खरीद सकती हूँ उस खुशी से? नहीं खरीद सकते, श्योर? तो बहुत सारी खुशी फ़ोन नहीं खरीद सकती। फ़ोन खरीदने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। बहुत सारी खुशी फ़ोन नहीं खरीद सकती, लेकिन फ़ोन बहुत सारी खुशी खरीद सकता है। Not even for 1 second. Again, listen. बहुत सारी खुशी आपके पास है, आप फ़ोन नहीं खरीद सकते, क्योंकि फ़ोन खरीदने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। आप कितनी भी खुशी ले जाओ शोरूम में, उसको बोलो मैं आपको ये सारी खुशी देता हूँ, मुझे 10,000 का फ़ोन दे दो, उसने नहीं देना। उसने 9,900 में भी नहीं देना। आपको वो फ़ोन के लिए उतना धन चाहिए। अगर बहुत सारी खुशी से फ़ोन नहीं खरीदा जा सकता, क्या फ़ोन से खुशी खरीदी जा सकती है? वो स्माइल किस चीज़ की खुशी होगी? खुशी क्या चीज़ है, फ़ोन क्या चीज़ है? फ़ोन एक फिज़िकल चीज़ है। फिज़िकल चीज़ खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमेशा हमें फिज़िकल चीज़ ही चाहिए होगी, धन। ये क्लैरिटी, इसका पिक्चर बना लेना यहाँ पे। हर फिज़िकल चीज़ खरीदने के लिए फिज़िकल चीज़ चाहिए होगी, मतलब धन चाहिए होगा। फिज़िकल धन लेकर फिज़िकल चीज़ें खरीद के हम अपने आप को फिज़िकल आराम दे सकते हैं। आप जिस सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, वो आपको क्या दे रहा है? आराम दे रहा है या खुशी दे रहा है? सोच लो, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आपको आराम दे रहा है या खुशी दे रहा है? आराम दे रहा है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही आराम देने के लिए किया गया है। लेकिन जिसने उसको बेचा, उसने कहा आप ये खरीदेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम था कि सामने वाले को क्या चाहिए?
खुशी चाहिए, तो उसने कहा ये खरीदो तो खुशी मिल जाएगी. हम खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए. बाइंग फॉर हैप्पीनेस हैज बिकम एन एडिक्शन. ये खरीदो तो खुशी मिलेगी, ये खरीदो तो खुशी मिल, ये खरीदो तो आराम मिलेगा. परफेक्ट परफेक्ट. ये खरीदो तो आराम मिलेगा. फिजिकल चीज़ फिजिकल धन से खरीदी जाएगी, हमें फिजिकल आराम देगी. हैप्पीनेस शांति प्यार रिस्पेक्ट संतुष्टता ये फिजिकल चीज़ें नहीं हैं. ये फिजिकल चीज़ें नहीं हैं. ये कौन सी चीज़ है? ये फीलिंग की चीज़ है, ये एनर्जी की चीज़ है. एक फिजिकल है एक फीलिंग है. फिजिकल चीज़ के लिए फिजिकल चीज़ें खरीदेंगे, फीलिंग के लिए फीलिंग के लिए. फीलिंग से फिजिकल चीज़ नहीं मिल सकती, राइट? तो खुशी से गाड़ी नहीं मिल सकती, तो फिजिकल चीज़ से भी फीलिंग नहीं मिल सकती. हाँ, हम फिजिकल चीज़ को स्टिम्युलस की तरह यूज़ करके एक फीलिंग क्रिएट करते हैं. वाओ, मैंने आज नया फ़ोन ख़रीदा, ये एक फीलिंग है. मैंने वो वाला फ़ोन ख़रीदा जो मैं इतने दिन से सोच रहा था मुझे लेना है, ये एक थॉट है. मैंने वो ख़रीदा जो दूसरों के पास नहीं है, ये एक थॉट है. मैंने वो ख़रीदा जो लेटेस्ट आज मार्केट में लॉन्च हुआ है, वो एक थॉट है. उन्होंने मुझे कितना अच्छा फ़ोन दिया, ये एक थॉट है. तो जो खुशी हमें मिल रही है वो किस चीज़ से मिल रही है? वो ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं. वही फ़ोन आपने अगर मुझे गिफ्ट किया और मैंने कहा ये कौन सा फ़ोन दिया, ये तो आउटडेटेड हो गया मॉडल, तीन महीने पुराना मॉडल दे दिया, अब तो इसके आगे वाला वर्जन आ गया है, तो फ़ोन तो वही है, गिफ्ट देने वाला भी वही है, लेकिन मैंने खुशी की जगह क्या क्रिएट कर लेना है? डिपेंडेंट किस पे? फ़ोन पर, देने वाले पर? नहीं. मैंने कौन सी थॉट क्रिएट करी उस फ़ोन को लेकर? जब हम जो चीज़ से जो चीज़ नहीं मिल सकती लेकिन हम उससे खरीदने की कोशिश करते जाएंगे, अगर मैं खुशी और शांति से गाड़ी और बंगला खरीदने की कोशिश करूं जीवन में तो कितना समय लगेगा? If I use peace and happiness to buy a car and bungalow for my life, तो कितना समय लगेगा? पूरी जीवन में नहीं मिलेगा? हाँ. Similarly, हम गाड़ी और बंगले से अगर खुशी लेना चाहेंगे तो भी पूरी जीवन में नहीं मिलता, तो भी पूरी जीवन में नहीं मिलता. जीवन बीत जाएगी, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ से मिल ही नहीं सकती हम खरीदने के लिए जा रहे हैं. दिख रहा है कनेक्शन दोनों चीज़ों का? घर खरीदना है किस चीज़ के लिए? घर खरीदना किस चीज़ के लिए? रहने के लिए, कंफर्ट के लिए. आज हमने इन सब चीज़ों को खुशी का सिंबल, रिस्पेक्ट का सिंबल, स्टेटस का सिंबल बना दिया. वो सिर्फ कंफर्ट का सिंबल थे. अब एक फ़ोन 20,000 का भी है, एक फ़ोन 2,000 का भी है, एक फ़ोन 500 का भी है, एक फ़ोन 50,000 का भी है. हम वो ही बात 500 पे भी कर सकते हैं, 5,000 पे भी कर सकते हैं, 50,000 पे भी कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे हाथ में 500 का फ़ोन होगा तो लोग क्या बोलेंगे? इसके पास फ़ोन ही नहीं है. अच्छा, तो मेरा फ़ोन कम्युनिकेशन नहीं लेकिन स्टेटस का सिंबल बन गया. और ये सब किस चीज़ को किस चीज़ के साथ जोड़ना था वो करने की वजह से हमारी लाइफ थोड़ी सी
कॉम्प्लिकेटेड हो गई और फिर हम और धन खर्च करने ले गई कि रिस्पेक्ट कमानी है, खुशी कमानी है, और धन खर्च किया। अब जितना खर्च किया तो उतना फिर कमाना भी पड़ेगा। जीवन बिकेम एन एंडलेस जर्नी ऑफ वर्किंग हार्ड एंड येट नॉट बीइंग हैप्पी। आज मेहनत ज़्यादा है, 20 साल पहले हम मेहनत उतनी नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे ना उतनी। आज मेहनत ज़्यादा है लेकिन फिर भी खुशी कम है, क्यों? आपका एक मकान है, एक गार्डन आगे है और एक गार्डन पीछे है। आप आगे वाले गार्डन में 24 घंटे भी पानी देते जाएं तो भी पीछे वाला गार्डन तो ग्रो नहीं होगा ना। तो हम कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है तो वो कमाने में 24 घंटा खर्च कर रहे हैं, ये सोच कर कि जितना कमाएंगे उतना खुशी तो आ ही जाएगी, लेकिन पीछे का गार्डन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, क्या हो रहा है, वो तो और ही सूखता जा रहा है। हर साल WHO कहता है ये बीमारियां बढ़ गई, ये बीमारियां बढ़ गई, अब मन की भी बीमारियां बढ़ गई। तो मेहनत बढ़ गई और बीमारियां बढ़ गई, क्या हुआ, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर इस गार्डन की मेहनत करनी थी, थोड़ी देर इस गार्डन की मेहनत करनी थी, लेकिन हमने पूरा टाइम एक गार्डन की और कहा दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। धन कमाना है वेरी इम्पोर्टेंट, तो धन कमाने के लिए हमें मेहनत करनी है। और खुशी और शांति कैसे कमाएंगे, वो भी तो कमानी पड़ेगी। अभी हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, इस गार्डन में पानी देंगे तो यहाँ के पौधे तो अपने आप ही उग जाएंगे, बाहर वाला आगे वाला जो गार्डन है वो सब कुछ फिजिकल, पीछे वाला जो गार्डन है वो सब फीलिंग्स। अभी हम एक गार्डन में पानी देते हैं और सोचते हैं दूसरी वाली तो अपने आप आ जाएगी। इफ़ आई एम हैप्पी, इफ आई एम सक्सेसफुल, इफ आई अर्न मनी, एवरीबडी विल लव मी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आई विल नॉट नेसेसरी हैव गुड रिलेशनशिप्स, क्योंकि मैंने पीछे वाले गार्डन में तो पानी दिया ही नहीं। तो पहले वाले गार्डन पे मेहनत कैसे करनी है, हम सबको आता है और हम सब कर रहे हैं। दूसरे वाले गार्डन को ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल चीज़ें कमाना और खरीदना हम सबको आता है, एनर्जी कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप में से गुस्सा किस किस को आता है? अच्छा अभी, अच्छा आप में से डांट किसने खाई है कभी, खा ली ना। चलो अब जब लास्ट हमें किसी ने डांटा था, डांट खाने के बाद हम उस व्यक्ति के लिए कितनी देर और कितने प्यार से सोचते हैं, राइट? तो मैंने आपको आके एक मिनट के लिए डांटा, एक मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स, ज़ोर से 30 सेकेंड्स के लिए ठहरा 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 डांट दिया। सिर्फ 30 सेकेंड्स की इन्वेस्टमेंट है। अब वो 30 सेकेंड्स की इन्वेस्टमेंट, ब्रदर खड़े हो जाओ एक मिनट, नो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, नॉर्मली आप कितनी देर सोचते हैं किसी के बारे में ऐसा, 2 घंटे के लिए, और कितना प्यारा सोचेंगे वो तो मुझे पता है। तो दैट्स ओके, नाउ दिस इज माय बिजनेस, 30 सेकेंड्स की इन्वेस्टमेंट, 30 सेकेंड्स की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करते टाइम भी एनर्जी कौन सी क्रिएट की, नेगेटिव, नुकसान किसका हुआ, मेरा, बीपी किसका बढ़ा, मेरा, शरीर पे किसके असर पड़ा, मेरा, यहाँ बैटरी किसकी डिप्लीट हुई, मेरी, 30 सेकेंड्स, उसका इफेक्ट रहा होगा 4-5 मिनट, वो अलग बात है कि 5-10 मिनट बाद तब तक मैंने किसी और को कर दिया होगा, है ना, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स भी अगर किया, लेकिन जिसको मैंने किया 30 सेकेंड्स के लिए उसने मेरे बारे में 2 घंटा सोचा
और हो सकता है वो 2 घंटे के बीच, क्योंकि चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, तो उनके 2-3 दोस्त आपके पास आएंगे, बोलेंगे क्या हुआ, बोलेंगे वो तो फिर वो रिटर्न मुझे सिर्फ एक से नहीं मिलता, उस टाइम मुझे और 4-5 लोग भी बहुत प्यारा प्यारा रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ रिटर्न ऑफ माई इन्वेस्टमेंट एंड मैंने 2 घंटा क्या कमाया। दिस इज अर्निंग एनर्जी, ये मैं एनर्जी कमा रही हूँ। अब 2 घंटा कौन सी एनर्जी कमाई, अभी 2 घंटा पूरा भी नहीं हुआ होगा, उतनी देर में कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी होगी, फिर वो कमाई। अब पूरे दिन में मेहनत करके धन कमाया, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन साथ साथ गुस्सा करके एनर्जी कौन सी कमा ली, एनर्जी कमा ली वैसी वाली, मतलब मेरा खुश रहना पॉसिबल नहीं। अब एक हाथ में मेरे पास नया फ़ोन है, लेकिन सामने से उधर से वो एनर्जी भेज रहे हैं, अगर मुझे दोनों चीज़ें कमानी है तो मुझे क्या करना था, सिर्फ ये छोटा सा अटेंशन जीवन को बदल देगा। आज हम क्या कर रहे हैं, काम करना है, पैसे कमाना है। गुस्सा कर दिया तो क्या हुआ, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, डांटना तो पड़ता ही है, डर तो लगता ही है, टेंशन तो होती, ये बोलते बोलते हम काम तो करते गए, प्रगति करते गए, धन कमाते गए, लेकिन साथ साथ क्या कमाते गए, साथ साथ हम दर्द वाली एनर्जी कमाते गए, फिर हम चाय पे चाय पीते गए। थके हुए व्यक्ति से हमें काम कराना ना, तो कैसे काम कराएंगे, चाय पियो काम पे चलो, क्योंकि माइंड थका हुआ है। आप में से किसको सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन करता है, माइंड थका हुआ है, शरीर सो जाता है लेकिन माइंड थका हुआ है, क्योंकि माइंड तो सारा दिन भी थक गया था, क्यों थक रहा है, सोच सही नहीं है। बाहर की मेहनत बहुत अच्छी है लेकिन अंदर सोच सही नहीं है। अब अगर मैंने उनको 30 सेकेंड्स में डांटने की बजाय, वही बात प्यार से, अच्छा हो गया कोई बात नहीं, होता है हमसे भी हुआ था, लेकिन अगली बार से ध्यान से, अब आप मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, ये भी इन्वेस्टमेंट है। नाउ ये कमाना है खुशी। सारा दिन में ऐसे कौन से कर्म हम कर रहे हैं जिससे दूसरे हमें सुख की एनर्जी भेजे हैं, कमानी पड़ती है, फ्री में नहीं मिलेगा। अगर मैंने किसी से ईर्ष्या की, अगर मैंने किसी और की सफलता पे मुझे दुख होने लगा, अगर मैंने यहाँ तक कह दिया अच्छा इसको प्रमोशन मिली, जरूर इसने कुछ ऐसे इस थोड़ी मिले, ये सब मैंने क्रिएट किया, तो मैंने क्या कमाया। अब देख रहे हैं दोनों गार्डन में क्या हो रहा है, सारा दिन हम दोनों गार्डन को बहुत ब्यूटीफुल रख सकते हैं, अगर हम जितनी मेहनत बाहर करते हैं उतना थोड़ा सा अटेंशन अंदर भी रख लें, कि हम हर समय हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के लिए हम कैसा सोचते हैं। क्या मेरा हर सोच हर बोल और कर्म दूसरे को सुख देता है, क्योंकि जैसे ही मैंने किसी को सुख दिया तो मैंने क्या कमा लिया, इसको कहते हैं दुआएं कमाना। अगर हमें सारा दिन में खुश लाइट पीसफुल रहना है, हमें दुआएं कमानी होंगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी के लिए एनर्जी कमानी पड़ती है, फिजिकल चीज़ के लिए फिजिकल कमाना पड़ेगा। दुआएं कमाना आता है हम सबको,
आज हम क्या करते हैं कि हमारा काम कारोबार अलग, और फिर हम थोड़ा थोड़ा कुछ दान पुण्य करते हैं कि दुआएं कमाएंगे। वो थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करने से नहीं होगा, मेरा हर कर्म सुख दान करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। कभी कभी कुछ नहीं होता है लेकिन हम फिर भी लो फील करते हैं कि खुशी नहीं है, पता नहीं क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी वजह से उदास है और वो हमें कॉन्स्टेंटली क्या भेज रहा है। जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वो यहाँ नहीं रहेगी अंदर, जो हम थॉट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए क्रिएट करेंगे वो उधर तक, जैसे मैसेज चला जाता है फ़ोन पे, बिल्कुल हर थॉट भी वैसे चले जाने हैं। हम अपने साथ जो काम करते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हम कई बार उनके लिए कैसे कैसे थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। और फिर जो हम क्रिएट करेंगे अब, हो सकता है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ मेरे साथ वाली कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं, बैठे इतने नज़दीक हैं और सारा दिन एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं, और एक दूसरे के साथ कितने घंटे बैठना है। तो फिर शाम तक घर आते आते हम कैसे हो जाएंगे। हम शाम तक इसलिए नहीं थक जाते क्योंकि हम काम बहुत कर रहे हैं। एसी ऑफिस में कुर्सी और टेबल और कंप्यूटर के साथ बैठकर कौन इतना थक जाता है, लेकिन हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि मन थक जाता है। यही हम पिकनिक पे जाएं, पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, तब हम थकेंगे नहीं। रात को बोलेंगे अच्छा अभी और क्या करना है, तब नहीं थकेंगे। लेकिन एसी कमरे में कंप्यूटर पे पूरा दिन एक कुर्सी पे बैठकर थक गए। क्या थक गया? मन थक गया। और मन क्यों थक गया? क्योंकि मन ने कुछ कुछ चीज़ें सही नहीं सोची। जीवन का एक ही मंत्र होना चाहिए, अगर हमें खुशी कमानी है, शांति कमानी है, और वो ही सफलता है कि हमें सबको सुख देना है। हर एक के लिए हमारी थॉट कैसी होनी है, दूसरों की सफलता में खुश होना है, दूसरों की सफलता में हर एक को जो मिल रहा है किसका रिजल्ट मिल रहा है, वो उसके कर्म का उसको फल मिल रहा है। कई बार हमें शॉर्ट टर्म में ये दिखता है कि किसी ने उतनी मेहनत नहीं की फिर भी उसको रिजल्ट ज़्यादा मिले, और किसी के लिए हमें दिखता है कि उसने बहुत मेहनत की फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिले। कल दो बच्चों का एग्ज़ाम है, आज एक बच्चा पूरा दिन पढ़ रहा है और आज एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। लेकिन कल क्या होता है, जो बच्चा पूरा दिन आज पढ़ रहा है वो कल फेल हो जाता है, और जो बच्चा आज सारा दिन खेल रहा था वो कल फर्स्ट आ जाता है। हो सकता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? हम सिर्फ एक दिन को देखते हैं, मैं तो इतने टाइम से देख रहा हूँ, ये तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ वो एक दिन भी नहीं है उस जीवन का। आज एक दिन में बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है 364 डेज मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो उस एक दिन के रिजल्ट से क्या होने वाला है, मैंने फेल ही होना है कल। लेकिन आज आप पूरा दिन खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि 364 डेज आपने पढ़ लिया, तो आपने कल क्या आ जाना है, फर्स्ट आ जाना है। और फिर मैंने कहना है कल तो ये खेल रहे थे, मैं तो इतनी मेहनत कर रही थी, ये फर्स्ट आ गए, मैं फेल हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर कुछ पार्शियलिटी हुई है, गड़बड़। नो, किसी को कुछ भी अनफेयर नहीं मिल सकता। एवरीबडी इज गेटिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर कर्मा। दूसरों को देखकर अपनी स्थिति को
उन्होंने क्या मेहनत की है जिसकी वजह से उनको वो मिल रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे क्या करना है जिससे मुझे वो मिले जो मुझे चाहिए, उस पर फोकस। लेकिन हमारा फोकस अपने पे कम, इधर और उधर बहुत होता है, और ये सब करने से अंदर हमारी थॉट्स कई बार कैसी वाली क्रिएट हो जाती है। फिर एक अटेंशन अंदर जो शक्ति ये बैठी हुई है, इसकी पावर को मुझे सारा दिन बढ़ाना है। अंदर ये जो बैठी हुई है इसकी पावर को मुझे सारा दिन बढ़ाना है। क्या करना होगा सारा दिन, क्या अटेंशन रखना होगा, हम सबको पता है क्या करना होगा, क्या करना होगा सारा दिन, मुझे इसकी पावर को बढ़ाना है। सारा दिन में देखो थॉट्स की क्वालिटी पर, क्या क्या करना होगा सारा दिन अपने डे टू डे कर्म में, मुझे यहाँ की अंदर की पावर को बढ़ाना है, क्या करना होगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट, खुश रहना है, दूसरों को खुशी देनी, और सारा दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है जिससे आंतरिक शक्ति बढ़े, क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना होगा सामने वाले को, और नॉट टू हर्ट एनीबडी, और गुस्सा नहीं करना, वो तो छोड़ेंगे ना आज, हाँ? गुस्सा आ नहीं जाता है, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। आता है तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे कोई आता नहीं है, हम चूज करके करते हैं। क्या हम सबके सामने करते हैं, क्या कुछ लोग हैं हमारे जीवन में जिनके सामने हम बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकते चाहे वो कुछ भी करें, हैं ऐसे, हाँ कौन है वो लोग जिनके सामने हम नहीं कर सकते चाहे वो कुछ भी बोलें कुछ भी करें। बॉस है, ठीक है चलो डन, एक ही लेते हैं, ओके। अब हम विजुअलाइज करते हैं, एक मेरे सामने ये सीनियोरिटी फिगर हैं, ये कुछ भी बोले कुछ भी करें मैं इनके सामने गुस्सा नहीं कर, एटलीस्ट बाहर से नहीं कर सकते, अंदर से तो कुछ भी सोच सकते हैं लेकिन बाहर से नहीं कर सकते, उस टाइम क्यों नहीं आता गुस्सा, नहीं नहीं उस टाइम क्यों नहीं आता गुस्सा, फियर नहीं, हमें मालूम है कि इनके सामने हम ये कर नहीं सकते, तो जब हमें मालूम है इनके सामने हम नहीं कर सकते तो वो कभी नहीं आता ना फिर, लेकिन इनके सामने तो कर सकते हैं तो हम करते हैं, सिंपल है। इट्स नॉट ऑटोमैटिक, इट्स अ चॉइस। इनके सामने हम नहीं कर सकते, इनके सामने हम कर सकते हैं। कस्टमर केयर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप में से कोई है इधर कस्टमर केयर में, आप कस्टमर केयर में हैं, कहाँ पर, गुड़गांव, चाहे वो पूरी मोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, फ़ोन करते हैं आपको, प्यार से बोलते हैं आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, आपको लोन लेना है, आपको ये वाला रिलायंस का पैकेट लेना है, आपको सामने वाला जोर 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 करके फ़ोन कहते, कोई बात नहीं सर मैं शाम को फ़ोन करूँगा, प्यार से शाम को फ़ोन करते हैं वापस उसको, क्यों नहीं गुस्सा करते ऊपर से, सामने वाला अब्यूज़ भी कर सकता है तो भी कहते थैंक यू सर मैं आपको शाम को फ़ोन करूँगा। कौन कर रहा है ये सब, हम में से ही हैं वो सारे, आज हम भी उस जॉब में जाएंगे तो हम भी करेंगे, ये मन है हमारा, इसको मालूम है किसको गुस्सा करना है किसको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक भी क्लाइंट को गुस्सा किया तो जॉब गई, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है,
एक को भी किया तो जॉब गई, सिमिलरली अगर एक को भी किया खुशी गई, सेहत गई, रिश्ते गए, चूज कर लो। अगर कोई अपनी जॉब के लिए कर सकता है तो कोई अपनी खुशी और सेहत के लिए क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? तो गुस्सा आता नहीं है, हम चूज करते हैं कि कब, किसके सामने, कितनी देर, कैसा हमें बोलना है। अगर हमने इनके सामने अलाउड नहीं है उसकी लिस्ट में दो चार नाम रखे हुए हैं तो थोड़े से नाम और डालने शुरू कर देते हैं उस लिस्ट के अंदर। किसके सामने हम गुस्सा कर सकते हैं, किसके सामने हम गुस्सा कर सकते हैं? तो आज हम एक काम करते हैं, तीन नाम को सिर्फ हम गुस्सा कर सकते हैं कि लिस्ट से हटा के, इनके सामने हम गुस्सा नहीं कर सकते एक दिन के लिए। एंड देख लीजिएगा नहीं होगा उधर उस दिन गुस्सा, कुछ भी आ नहीं रहा है, हम चूज कर रहे हैं वो करना, हम चूज कर रहे हैं, हम कोई आउट ऑफ कंट्रोल मशीन नहीं है जो कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं, नहीं करते हैं। हमें मालूम है क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, जिस दिन हमें पता चल गया कि ये फाइन पड़ जाएगा उस दिन हम करना बंद कर देंगे। तो जहां मुझे पता है कि मेरा नुकसान होने वाला है मैंने वो वाला कर्म फिर नहीं करना। गुस्से का नुकसान देखें अपने ऊपर कितना है, इससे बड़ा फाइन कोई नहीं हो सकता। और ट्रैफिक पुलिसमैन के 1000 रुपए के फाइन से बचने के लिए हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। शरीर जब खराब होगा सारा खर्चा करके भी ठीक नहीं हो पाता वो। फिर आज अगर डिसाइड करें आज हो जाएगा, प्रोवाइडर डिसाइड करे कि इसका मेरे जीवन में कितना नुकसान है। गुस्सा एक ऐसी इमोशन है जो इनर बैटरी को फटाफट से डिप्लीट कर देती है, और जब ये बैटरी डिप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर और बीमारियां इजीली आ जाती हैं। डर, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ये कमज़ोर आत्मा की निशानी है। अगर हम एक चीज़ पर भी अपने आप को बचा लें शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, बाकी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। टेंशन होती है हमें, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, ऐसा क्यों किया, ऐसे ये बात करने का तरीका बन जाता है। इट्स ओनली अ हैबिट, आदत है। कैसे बनी आदत? आदत कैसे बनी? कोई भी चीज़ 5, 10, 15 बार कर लिया आदत बन गई। आदत बदल सकती है? आदत बदल सकती है? कोई अपनी एक आदत आज सिलेक्ट करो जिसको यहाँ से आज चेंज करके जाना है। एक आदत। किसी के अंदर बात करते हुए गलत शब्द यूज करने की आदत? आदत है, कुछ नहीं है। और अगर हम आदत को चेंज नहीं करेंगे तो हम जीवन भर, और जब हमें समझ में आता है कि शरीर नहीं आत्मा हो तो अनेक जीवन वही आदत लेके चलेंगे। और अगर आज आदत बदल दी तो ये जन्म का भी इन्वेस्टमेंट हो गया, आगे का भी हो गया, क्योंकि आत्मा की रिकॉर्डिंग चेंज हो गई है। एक आदत सिलेक्ट करें, कोई एक आदत आज सिलेक्ट करें। यस, आदत। अब क्या हुआ, ये वर्ड आदत को हमने ये सोच लिया कि आदत मीन्स परमानेंट,
आदत मीन्स वो जिसको जब चाहे चेंज किया जा सकता है, जब चाहे चेंज किया जा सकता है, आदत वो नहीं जो परमानेंट। अगर सामने से कोई हमें गुस्सा कर रहा है, उसकी अपनी आंतरिक स्थिति कैसी है? यू नो वी ओनली नीड टू विजुअलाइज कि कोई व्यक्ति आराम से न बात करके जब बात करता है तो उसकी अंदर हालत कैसी है, अंदर हालत कैसी है, अंदर वो आत्मा कितनी तकलीफ में है। हमें क्यों बुरा लगता है? हमें लगता है मुझे गुस्सा किया, मुझे गुस्सा किया, मुझे गुस्सा नहीं किया, वो मुझे गुस्सा नहीं किया, वो जैसे हैं वैसे बात किया। अगर सामने वाला व्यक्ति अंदर से शांत है, स्टेबल है, आप पाप करके आ जाओ वो गुस्से से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी है नहीं। और अगर सामने वाला व्यक्ति अशांत है, आपने सब कुछ भी ठीक किया हो तो भी उसका बात करने का तरीका कैसा है? अशांत है। तो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। तो जो गुस्सा कर रहा है या हर बात में गलतियां ढूंढ रहा है, उसकी अंदर से स्थिति कैसी है, उसके अंदर से स्थिति कैसी है? वो अंदर से बहुत बहुत दर्द में है। अगर कोई अंदर से दर्द में है तो वो हमें बाहर क्या देने वाला है? उसको दर्द में देखकर हमें उसके बारे में कैसा सोचना चाहिए? जैसे घर में कभी कोई बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति थोड़ा सा क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, है ना? तो बीमार व्यक्ति जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो घर के लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? कोई बात नहीं ना, बीमार है ना। ऐसे ही वो भी क्या है, बीमार है। सिर्फ शरीर थोड़ी बीमार होता है, शरीर की बीमारी से कई 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 गुना ज़्यादा दर्द होता है जब मन बीमार होता है। किसी को अंदर से अगर ईर्ष्या है तो मालूम है अंदर से वो व्यक्ति कैसा होगा? वो खुश ही नहीं हो सकता है, वो अपनी असफलता पे रोता ही जा रहा है अंदर, वो दूसरों की सफलता देखकर उसको तकलीफ ही होती जा रही है अंदर। इतना दर्द तो कोई शरीर की बीमारी भी नहीं देती है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बारे में कैसा बोलेगा? तो जो भी अंदर से मन से थोड़ा बीमार है, ऐसे व्यक्ति से उदास नहीं, नाराज नहीं, ऐसे व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना। और जैसे ही शुभ भावना रखी तो कौन बच गया सबसे पहले? सबसे पहले हम बच गए, फिर हमारे से कौन सी वाइब्रेशन गई? वो वाली वाइब्रेशन गई, वो भी हील होने लगे। एंड सचमुच वे दर्द में है। ये युग कलयुग है। कलयुग इसको तभी कहा जाता है जहाँ आत्माएं कलह कलेश दुख अशांति में है। हर एक के घर में क्या क्या हो रहा है, आप जब ऑफिस पहुँचते हैं 9 बजे, हर एक अपने घर से क्या क्या पीछे छोड़कर आता है, तो वो सारी स्थिति वो अपने माइंड पे कैरी करता है। डू नॉट एक्सपेक्ट बेस्ट ऑफ बिहेवियर्स। हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इमेजिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएं और हम कहें कमाल है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ये भी बीमार है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सारे ही बीमार है? तो दूसरा जनक कहेगा कहाँ है वो? ये कलयुग है।
कलयुग में लोगों से सत्ययुग वाला व्यवहार एक्सपेक्ट नहीं करना। कलयुग मतलब ही जहाँ आत्माएं बीमार हैं, आत्मा बीमार के साथ लोग शरीर की बीमारी भी कैरी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार काफ़ी इरिटेबल हो जाता है, वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाता है। हमें अपने आप को उस वाइब्रेशन से क्या करना है, जब दो लोग मिलते हैं एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा, अगर उन्होंने डांटा या तो उनका प्रभाव हम पर पड़ जाएगा और हम भी ऐसे हो जाएंगे, और अगर हमने अपने आप को बचा लिया तो हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा। आग के कांटेक्ट में आकर या तो हमें भी आग लग सकती है या हम आग बुझाने वाले बन सकते हैं, दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन नहीं है सिर्फ। लेकिन हम क्या कहते हैं, उन्होंने गुस्सा किया तो नेचुरली मुझे बुरा तो लगना ही था। नहीं, नेचुरल नहीं है, चॉइस है, चॉइस है। अगर अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे, अगली बार सिर्फ देखें उनको उस स्थिति में, कितनी जोर से गुस्सा कर रहे हैं, अंदर कितना दर्द हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा अंदर। जैसे ये थॉट आएगी कि उनको कितना दर्द हो रहा है, फिर अपने दर्द के बारे में नहीं सोचेंगे। ज्यादा नुकसान किसका होता है, जो डांट रहा होता है या जो डांट खा रहा होता है? फिर तो हमें तो उस आत्मा की क्या करनी चाहिए, उस टाइम क्या करनी चाहिए, हमें हीलिंग करनी है। सारा दिन यही फ्रीक्वेंसी लेकर पूरा दिन बाहर निकलना है कि मुझे सबको क्या देना है, हीलिंग देनी है। लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को क्या करना है, बचाना है। मुझे अपने आप को इस एनवायरनमेंट के वाइब्रेशन से क्या करना है, बचाना है। मुझे अपने मन के इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना है, पावरफुल करना है। सुबह सुबह अखबार कौन कौन पढ़ता है? आप सिर्फ एक नज़र मारते जाओ पहले तीन चार पेज पे। अभी सुबह सुबह ज़्यादा टाइम नहीं है सब पढ़ने का, लेकिन सिर्फ नज़र मारते जाओ, यहाँ ये एक्सीडेंट, यहाँ ये, यहाँ पार्लियामेंट में यहाँ हो गया, यहाँ ये स्कैम हो गया, यहाँ ये वायलेंस हो गया, यहाँ फ्लड आ गया, यहाँ ड्राउट। अच्छा क्या पढ़ा, अच्छा क्या डाला अंदर, कुछ भी नहीं। जैसे ही हमने पेन, वायलेंस, टेरर, करप्शन यही अंदर भरा, तो यहाँ क्या इकट्ठा हो गया, यहाँ क्या इकट्ठा हो गया। अब अखबार वहाँ नहीं, अब अखबार वहाँ नहीं है, अब अखबार कहाँ हो गई, अब अखबार यहाँ हो गई। अब वो किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब वो मेरी एनर्जी का हिस्सा हो गई, और वो भी सुबह सुबह। सारा दिन में अंदर अच्छा क्या डाला, प्योर क्या डाला, कुछ भी नहीं। जब प्योर कुछ भरा ही नहीं तो प्योर क्रिएट कैसे होगा। जब हम ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर आते हैं, हर एक घर में रहता है, घर रहता है, अपना जॉब करता है, अपना बिजनेस करता है, सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं। लेकिन जब हम सेंटर पर आते हैं तो हम अपनी लाइफस्टाइल में सिर्फ पहला एक ही शिफ्ट लाते हैं कि सुबह सुबह आधा पौना घंटा जो पहले अखबार, चाय, टीवी, रेडियो इसमें वेस्ट होता था, वो आधा पौना घंटा अब हमने बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव ज्ञान अपने अंदर भरना है, बस पढ़ना है सिर्फ। और जैसे ही वो पढ़ लिया, वो भर लिया, अब वो वहाँ नहीं, अब वो यहाँ का हिस्सा बन गया। अब हमें अच्छा सोचने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भरा, हम जो भोजन खाते हैं उसके बाद हम कोई मेहनत नहीं करते, वो भोजन जाके अंदर अपना काम पूरा करती है, फिर वो इस शरीर को मिनरल देगी, विटामिन देगी, ये देगी, वो देगी, वो सब काम करेगी। हमारा काम क्या है सिर्फ, कि भोजन क्या खाया।
तो डाइटिशियन क्या करेगी, आपको एक चार्ट बना के देगी कि ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। अगर आपने ये खा लिया तो आपके शरीर को सारी चीज़ें सारा दिन के लिए मिल जानी है। इसी तरह अगर हमने मन के लिए अच्छी डाइट सुबह सुबह ले ली, बस ख़त्म काम, खा लिया, वो अपना काम जाके अंदर अपने आप करने वाला है। लेकिन जब अंदर कुछ प्योर डाला ही नहीं तो फिर डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी तो होनी है, होनी है। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके देखें भी कि एक महीने के लिए सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ना, उसको रिप्लेस करके प्योर नॉलेज, प्योर ज्ञान कुछ पढ़ना है, जिससे हमारा सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर हम सुबह सुबह पढ़ेंगे इसने ये किया, उसने वो किया, इतने लाठीचार्ज हुए, इतना, तो हमने भी बाहर सारा दिन जाके गुस्सा ही करना है। उसके बाद फिर हम कहेंगे पता नहीं गुस्सा आ कहाँ से गया, वो आ यहाँ से गया जहाँ भरा था। लेकिन अगर हमने सुबह सुबह पढ़ा कि क्रोध से ये नुकसान होता है, शांति से, धैर्यता से, पेशेंस से भर दिया, अब सारा दिन गए, तो उसका असर अपने आप हमारे व्यक्तित्व पे पड़ना शुरू हो जाएगा। वो होना ही है, नेचुरल है। रात को सोने से पहले हम क्या करते हैं? मीडिया, जब से वो 24/7 मीडिया आया है, समाज बदल गया है, क्योंकि हम सुबह भी वही देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट समय है, और रात को सोने से पहले जो इम्पोर्टेंट समय है वो भी वही भर रहे हैं। क्योंकि रात को सोने से पहले जो हम भरेंगे वो सारा दिन हमारे ऊपर काम करेगा, रात को काम करेगा जब हम सोएंगे। तो सुबह 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ बहुत प्योर भरना है, और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट कुछ बहुत प्योर अंदर डालना है। ये दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह जो भरा वो सारा दिन वर्क करेगा, रात को जो भरा वो सारी रात वर्क करेगा। आज क्या हो रहा है, सुबह भी न्यूज़, रात को भी न्यूज़, और रात को न्यूज़ नहीं तो फिर सीरियल, सीरियल में भी क्या, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अंदर क्या भर रहे हैं। और फिर जो अंदर भरा उसके ऊपर मनन, चिंतन, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन करने से हमारी डीप रूटेड आदतें भी बदल जाती हैं, संस्कार परिवर्तन हो जाता है। आदत को बदलने के लिए क्या करना है, आदत कैसे बदलती है, कोई भी आदत बदलनी हो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? सिर्फ थोड़े दिन उसको अटेंशन से कर लिया। अगर आप रोज़ डांट ही देते हैं किसी को कोई ना कोई बात पे, लेकिन आपने 10 दिन अटेंशन रख लिया कि 10 दिन चाहे कुछ भी हो जाए मैंने कहना है, लेकिन मेरा कहने का तरीका कैसा होगा। 10 दिन के बाद आप कहेंगे मुझे पता नहीं लेकिन मुझे गुस्सा आता ही नहीं अब, क्योंकि अंदर की वायरिंग क्या हो जाएगी, अंदर वायरिंग है ये सारी, वो वायरिंग ही क्या हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी। जैसी वायरिंग होगी सर्किट बार बार वैसे ही फ्लो करेगा, फ्लो करता जाएगा और लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। कौन सी एक आदत आज सेलेक्ट कर रहे हैं छोड़ने के लिए या चेंज करने के लिए, कौन सी एक आदत? सुबह अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, और गुस्से को किससे रिप्लेस करेंगे? यू हैव टू रिप्लेस द हैबिट। इट्स लाइक हम चाय पीते हैं, चाय नहीं पीनी तो रिप्लेस करेंगे ना, चाय की जगह क्या पियेंगे, तो रिप्लेस करना है। गुस्से की जगह पेशेंस। अगर आप अपने मन को सिर्फ कहते जाओगे गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, उसको नहीं समझ में, उसको ये पेशेंस से, शांति से, प्यार से बात करें, कहेगा अच्छा मन अपना है,
जितनी मेहनत हम औरों को समझाने की करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा, उसका 10% भी अपने ऊपर कर लिया, काम हो जाएगा सारा। दूसरों को कितने प्यार से समझाते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था ना, थोड़ा सा तो ऐसे बोल सकते थे, कमाल है तुमने ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा उसको ऐसे कर देते, दूसरों की काउंसलिंग है सारा दिन। दूसरों का मन हमारा कहना नहीं मानने वाला, किसका मन हमारा कहना मानने वाला है? हमारा मन कहना मानने वाला है, हमारा मन कहना मानने वाला है। सबसे डीप बिलीफ सिस्टम हमारा ये है कि मेरे मन की स्थिति पर औरों का असर पड़ रहा है, मेरे मन की स्थिति का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है। किसी के लिए भी ये नहीं कहना इनकी वजह से मुझे ये हो गया, इनकी वजह से मुझे बुरा लगा, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा इज फाइन, मैं ठीक कर लूँगा इज फाइन, लेकिन इनकी वजह से हुआ बोलेंगे तो चेंज हो जाती बात। अगर मैंने कहा इनकी वजह से मुझे ऐसा लगा, फिर मैं किसके चेंज होने की वेट करूँगी? फिर मैं किसके चेंज होने की वेट करूँगी? उनके। और हो सकता है वो चेंज तो, हो सकता है वो चेंज तो ना हो। क्यों ना हो? क्यों ना हो? क्योंकि वो जैसे हैं वो वैसे बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, और मैंने पूरी जीवन वेट कर देनी है कि ये चेंज हो जाएंगे तो मैं खुश होंगे। नो, ये परिस्थिति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका संस्कार है, और यहाँ मेरी थॉट है। इसको देखकर मुझे यहाँ क्या क्रिएट करना है, उसकी चॉइस किसके पास है? इसी हॉल में हम एंटर होंगे, इसी हॉल को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स क्रिएट करेंगे। सपोज वो बॉस जो डांटता है, वो सीनियर, अब हम एक सीन विजुअलाइज करते हैं कि वो इस कुर्सी पर बैठे हैं और हम सबसे कोई एक गलती हो चुकी है, और वो हमें एक एक को रूम में अपने बुलाते हैं और सेम तरह से डांटते हैं। हो गया विजुअलाइज? बॉस सेम, गलती सेम, डांट सेम, जैसा हम फील करेंगे अंदर वो भी सेम, जैसा हम फील करेंगे वो भी सेम, लेकिन बॉस तो सेम, डांट भी सेम, गलती भी सेम, जैसा हम फील करेंगे वो कैसा होगा? डिफरेंट डिफरेंट। क्यों डिफरेंट? दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, राइट? अब अगर मुझे दिखे कि आपका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, तो मैंने कहना क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं? तो आपने कहना क्योंकि, क्योंकि उन्होंने डांटा इसलिए मैं उदास हूँ। लेकिन उन्होंने तो इनको भी डांटा, उन्होंने तो इनको भी डांटा, आप 2 घंटा उदास हैं, ये 5 मिनट और ये 2 सेकंड और ये तो 2 दिन, राइट है? तो स्टिम्युलस सेम लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग। तो रिस्पॉन्स किस पर डिपेंडेंट है? रिस्पॉन्स किस पे डिपेंडेंट है? मेरे ऊपर। हम इनको नहीं चेंज कर सकते, हाँ ये तो अच्छी बात है कि ये चेंज हो जाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कितनों को चेंज करेंगे? नहीं कर सकते। हम थोड़ी सी अपने ऊपर कर लें तो हम सबके साथ रहते हुए किस किस को चेंज करेंगे? बॉस को चेंज करेंगे, कोलीग्स को चेंज करेंगे, जूनियर को चेंज करेंगे, मेट्रो में जो अपने साथ बैठे हैं उसको चेंज करेंगे, फिर घर जाएंगे, अपने बच्चों को तो चेंज कर नहीं सकते। कैन नॉट चेंज अनदर पर्सन। हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। और जिस एक को कर सकते हैं उसकी तरफ टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा ध्यान किस पर जा रहा है? ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए। माय रिस्पॉन्स इज माय चॉइस। अब अगर मेरा बॉस जोर जोर से रोज डांटता है, या तो बॉस बदल जाए
या मैं नौकरी बदल लूं, या तीसरा मैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर लूं, थोड़ा सा स्ट्रांग कर लूं कि उनकी डांट आए तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? तीसरा वाला. क्योंकि अगर आज एक सीनियर बदल भी जाए, कल जो दूसरा आएगा हो सकता है उसके अंदर डांटने की बीमारी ना हो, कोई और बीमारी हो. कलयुग है ना, कलयुग में सत्युगी हेल्थ नहीं आ सकती. कोई लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटते हैं लेकिन अदरवाइज बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन हम कहते हैं इनके अंदर सब कुछ अच्छा है लेकिन ये बहुत ज़ोर से डांटते हैं. कोई और आएगा वो बिल्कुल नहीं डांटेगा लेकिन वो मीठा मीठा बोल के बहुत कुछ कर जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आत्मा कलयुग में हम थोड़े कमज़ोर हैं. हर एक के अंदर कोई ना कोई बीमारी है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, बीच में कुछ, हर एक में. अगर हम सोचें कि उनकी बीमारियां ख़त्म हो जाएं तो एक की दूसरे की कोई ना कोई, और इससे अच्छा अपनी बीमारियों पे वर्क करते हैं, अपने पे वर्क करते हैं कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना है, बढ़ाना है. और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? रोज़ अच्छी डाइट. पहले रोज़ अच्छी डाइट, कम से कम आधा घंटा सुबह समय अपने आप को देना है. आधा घंटे का असर पूरा दिन चलेगा. आधा घंटा स्टडी और 10-15 मिनट उस पर मेडिटेशन. ये 45 मिनट्स अपने लिए निकाल दिया, अब पूरा दिन चले बाहर. कोई भी चीज़ को बिना कुछ मेहनत किए वर्क नहीं करेगा. एक फ़ोन को भी तो सुबह एक घंटा चार्जिंग पर लगाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है टाइम नहीं है, लगाना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो वो पूरा दिन कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि मैंने सुबह चार्ज नहीं किया. आजकल जहाँ देखो वहाँ चार्जर लगे हुए हैं, लटकती रहती है वो तार हर जगह. तो लोग क्या करते हैं, 5 मिनट भी कहीं रुका चार्जर, विच इज़ वेरी गुड. क्योंकि जितना ज़्यादा यूज़ करना है उस चीज़ को, फिर उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, चार्ज भी करना पड़ेगा. आज फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं अच्छी बैटरी वाला फ़ोन दे, मतलब ज़्यादा देर चलना चाहिए क्योंकि मुझे सारा दिन उस फ़ोन को यूज़ करना है. तो अगर हम बीच बीच में 5-5 मिनट फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं तो हम बीच बीच में इसको भी तो 2-2 मिनट चार्ज कर सकते हैं ना. इसको तो ना दिन में चार्ज करते हैं ना रात को चार्ज करते हैं, शरीर सो जाता है ये सोचता जाता है. कितने दिन से इसको बिना चार्जिंग के चला रहे हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है? हर एक घंटे के बाद 1 मिनट, हर एक घंटे के बाद 1 मिनट के लिए गीत बजता है, उसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स. 1 घंटे में 1 मिनट की चार्जिंग, 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस में बैठकर आई एम अ प्योर पावरफुल सोल, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, ये जो सामने मेरे बैठे हैं ये भी बहुत प्योर है, सारी इम्प्योर थॉट खत्म हो जाएगी, वाइब्रेशन उनको कौन सी चली जाएगी. हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, अगर सुबह 15 मिनट कर लिया, हर घंटे के बाद 1 मिनट कर लिया, रात को सोने से पहले 5 मिनट कर लिया, बैटरी बढ़िया चलेगी, बिल्कुल बढ़िया चलेगी. यहाँ हैप्पीनेस, यहाँ वाइब्रेशन जाएगी तो यहाँ हेल्थ, औरों को वाइब्रेशन जाएगी तो हार्मनी, तो हमारी जीवन स्वर्ग हो जाएगी. यहाँ की बैटरी चार्ज नहीं, यहाँ खुशी नहीं, यहाँ बीमारी और रिश्तों में भी. आज रिश्ते क्यों डिफ़िकल्ट हो रहे हैं? क्योंकि डिस्चार्ज्ड बैटरीज रिश्तों में आ रही हैं. हर एक दूसरे से मिलता है, कहते हैं मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे समझो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि खुद डिस्चार्ज्ड हैं तो. और जिससे मांग रहे हैं
वो हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा डिस्चार्ज हो, वो कहेगा पहले आप दो। तो रिश्तों में ऐसे नहीं कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, मैं दो। इसमें छोटे बड़े एज का कुछ नहीं है, मैं रिस्पेक्ट दो, मतलब मैं बड़ा हूँ वो मुझे रिस्पेक्ट करे नहीं। मैं बड़ा हो सकता हूँ लेकिन मैं हो सकता हूँ अंदर से। तो हम रिश्तों में दें, लेने के लिए अगर सारा दिन खड़े रहेंगे, जितना मांगेंगे उतना अंदर से क्या होते जाएंगे, घटता जाएगा। जितना देंगे उतना अंदर से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये लॉ है। जो डांटता है सबसे पहले एनर्जी किसको मिलती है, डांटने वाले को मिलती है। तो जो प्यार देगा सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, जो क्षमा करेगा सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी। अगर आपके कलीग से या जूनियर से कोई गलती हो चुकी है, वो आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है, उसकी अंदर स्थिति कैसी होगी, अंदर स्थिति कैसी होगी। या आपके बच्चे से कोई बात हो चुकी है, उसकी अंदर स्थिति कैसी होगी, डर है, दर्द है, गिल्ट है, फियर है। अब ये सारी स्थिति लेकर वो आपके पास जब चलकर आ रहा है, तो हमारे से उसको क्या मिलना चाहिए, हमारे से क्या मिलना चाहिए, मैं यहाँ से नीचे उतरने लगी गिर गई, तो इमीडिएटली क्या करेंगे, उठाएंगे ना, सपोर्ट करेंगे, उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कहीं चोट लगी कुछ हुआ, या वहाँ खड़े होके बोलेंगे आपको चलना नहीं आता, देखकर नहीं चल सकते थे, ऐसे भी कोई चलता है। हम ये करते हैं, सामने वाला दर्द में आता है, गिल्ट में आता है, गलती करके आया है, वो अंदर से क्या है, गिरा है। सिर्फ फिजिकली नहीं गिरते हम, इमोशनली भी तो गिरते हैं। तो इमोशनली कोई गिरता है तो हमें उसको क्या करना है, हमें उसको सपोर्ट देनी है, उसको उठाना है, उसकी चोट को ठीक करना है, फिर धीरे से कहना है अगली बार ध्यान से चलना। वो तो उसको वैसे ही मालूम है, अभी अभी तो गिरा है वो, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि अगली बार ध्यान से चलना। हम एडवाइस देते हैं कि अगली बार ध्यान से चलना, वो तो मुझे पता है, लेकिन जो चोट लगी है, जिस समय कोई गिरता है वो समय नहीं होता उसको डांटने का। जिस समय बच्चा घर आए और उसके मार्क्स कम हो, वो दिन नहीं होता डांटने का। कितने बच्चे जो सुसाइड करते हैं या सुसाइड करने की सोचते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके नंबर कम आए। ये पूरी स्टडी है कि क्यों सोचा तुमने ये करने का, नंबर की वजह से नहीं। मेरे पेरेंट्स को हम कैसे फेस करेंगे, दिस इज सो रिस्की। बच्चा अपने आप को कुछ कर लेता है, क्यों, क्योंकि पूरा साल उसके ऊपर वो प्रेशर डालकर रखा था। तो जिस दिन किसी से कोई गलती हो, उस दिन उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस दिन उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट। क्योंकि प्लीज़ रिमेम्बर, आत्माएं इस टाइम ऑलरेडी लो बैटरी पे चल रही हैं। ये जो हम रोज़ अखबार में पढ़ रहे हैं ना, किसी ने अपने आप को ये कर लिया, किसी ने अपने आप को ये कर लिया, किसी ने ये कर लिया, वो क्यों है, क्योंकि वो लो बैटरी पे चल रहे हैं। और जैसे ही कोई बात आई और किसी ने कुछ कहा, तो वो बैटरी में वो फेस करने की ताकत नहीं है। हम लो बैटरी पे चलते जाते हैं, हमें लगता है जीवन चल ही रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जीवन में अगर नॉर्मल से हट के थोड़ी सी बड़ी बात आ गई, तो वो लो बैटरी के पास वो बात फेस करने की ताकत नहीं होती। तब हम कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को कुछ और हो जाता है। आज WHO कहता है हर 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है।
चार में से एक का मीनिंग है हर परिवार में एक। और उन्होंने कहा अगर इस तरह से चलता रहा तो 2020 तक सेकंड किलर डिप्रेशन है, ये यहाँ की बीमारी है, दर्द की। ये क्यों है? क्योंकि हम लो बैटरी पे लंबा चल रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए टाइम नहीं है, बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है। चल तो रहा है ना, काम हो तो रहा है ना, नौकरी हो तो रही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? लो बैटरी में नहीं चलना जीवन में। अगर फ़ोन को लो बैटरी पे यूज़ करते हैं, एक उसका रेडिएशन का नुकसान ज़्यादा होता है, दूसरा अगर अचानक कोई परिस्थिति आ गई तो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास बैटरी नहीं है, पावर ही नहीं है। इसीलिए फ़ोन को हमेशा चार्ज रखते हैं ना, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तभी नहीं काम आया तो फिर फ़ोन का क्या फ़ायदा। तो अपने आप को भी लो बैटरी पे नहीं चलाना है। अभी हर रोज़ आधा घंटे का समय अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए देना ही देना ही देना है। अगर हम लो बैटरी पर चलते चलते मैनेज करके भी चल रहे हैं, रिस्की क्या है? आसपास का सारा जो वातावरण है उसकी वाइब्रेशन का असर भी हम पर पड़ता है। जिस शहर में, जिस वातावरण में, जिस मेंटल पोल्यूशन में हम रहेंगे, आप देखो हम दिल्ली में हैं तो मन का पोल्यूशन का लेवल अलग है। अब यहीं से थोड़ा दूर एक हिल स्टेशन छोटी सी जगह पे चले जाओ तो हम कहते कितनी शांति है। तो वो शांति सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती है। वो शांति क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के मन शांत है। तो हमें भी वहाँ जाकर क्या होता है? शांति फील होती है। लेकिन हमें रहना इस शहर में है, उस पोल्यूशन का असर हम पर पड़ेगा ही। तो अगर मैं बैटरी लो हो और कोई और लो बैटरी का असर मुझ पर पड़े तो मेरी उतनी पावर भी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो बैटरी को तो वो दूसरी बैटरी भी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को चार्ज करने चलना पड़ेगा। जितना समय बीतता जा रहा है बाहर चीज़ें और भी डिफ़िकल्ट ही होनी है। इट्स नॉट गेटिंग ईजियर, इट्स नॉट गोइंग टू गेट ईजियर। लेकिन बाहर की डिफ़िकल्ट चीज़ों को फेस करने के लिए अंदर की शक्ति को क्या करना है? बढ़ाते जाना है। सिंपल। रोज़ सुबह का आधा पौने घंटे का समय मेरी अपनी चार्जिंग के लिए है, क्योंकि जब मेरी चार्जिंग होगी उसका असर मेरी पूरी फैमिली पर पड़ेगा, उसका असर मैं जहाँ काम करता हूँ सब पर पड़ेगा, और मुझे तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। आज जो हमारे बच्चे हैं वो बैटरी तो, आपको लगता है आजकल बच्चे हमारे से ज़्यादा गुस्सा करते हैं जितना हम जब बच्चे थे तब करते थे? छोटी छोटी बातों में ज़िद करते हैं, कहना नहीं मानते, ये सब चीज़ें लो बैटरी की निशानी है। ये लो बैटरी को चार्ज कौन करेगा? सिर्फ विजुअलाइज करें कि आज अगर आपका बच्चा 5 से 10 साल की एज में है, जिस दिन वो 25 साल का होगा आज से 20 साल बाद, तो उस बच्चे की वो बैटरी चार्ज करने की जिम्मेवारी किसकी? अभी कर देना उसको, 20 साल बाद उसको तो कितनी डिफ़िकल्टी होने वाली है, नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अगर पेरेंट्स इमोशनली पावरफुल होते हैं उसका डायरेक्ट असर बच्चे पर पड़ता है, और अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, गुस्सा करते हैं, बच्चा सेम बन जाता है। तो एक की हुई चार्जिंग, एक फैमिली में एक, उसका बेनिफिट सबको मिलता है। तो अपने और अपने परिवार के लिए इतना सा समय नहीं निकालेंगे क्या? निकालना ही है, निकालना है। तो अगले 24 घंटे कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमारी स्थिति कैसे रहने वाली है? कैसी रहेगी? पेशेंस, पीसफुल,
सामने वाला क्या है, सामने वाला क्या है, दर्द में है, दर्द में है, वो मुझे नहीं कुछ कह रहा, वो दर्द में है। जैसे ही मुझे उसका दर्द समझ में आया, शुभ भावना ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही है और हमारी एनर्जी बच गई और हमने अपनी प्योर एनर्जी भी उसको रेडिएट कर दी। और एक ही मंत्र सबको क्या देना है, हमें सबको क्या देना है, सुख देना। और याद रखना, सारा दिन हम एनर्जी कमा रहे हैं, जो सारा दिन कमाएंगे वो हम शाम को घर लेकर जाएंगे। तो धन भी कमाना है लेकिन साथ साथ क्या कमाना है, एनर्जी भी कमानी है। तो जितना सबको सुख देंगे उतना ऑटोमेटिकली क्या कमाएंगे, उतना ऑटोमेटिकली क्या कमाएंगे, दुआएं कमाएंगे। जितना दुआएं कमाएंगे उतना कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे। इजी फॉर्मूला है, धन कमाते कमाते यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है। एक बिजनेस बाहर, एक बिजनेस अंदर, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, तब सक्सेसफुल। यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लॉस। और जिसका यहाँ प्रॉफिट है उसको यहाँ तो प्रॉफिट ही होगा। जो खुश है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, हर एक उसके साथ काम करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, तो उसका बाहर तो प्रॉफिट होना ही होना है, होना ही होना है। तो ये वाले गार्डन का ध्यान रख लें तो ये वाले गार्डन पे मेहनत कम करनी पड़ती है, लेकिन ये वाला गार्डन सूखता जाता है तो ये वाले गार्डन पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। डिफ़िकल्ट हो रहा है, नेचुरल चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। तो आज एक आदत लेकर जाएं, आधा घंटा सुबह अपनी चार्जिंग। ये एक आदत अगर डाल ली तो फिर जो जो आदत चेंज करना चाहेंगे वो चेंज हो जाएगी। चार्ज्ड बैटरी कोई भी संस्कार चेंज कर सकती है, डिस्चार्ज्ड बैटरी सोचती रह जाती है फिर चेंज नहीं हो पाती है। इस बार के जब न्यू ईयर हुआ 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे एक आर्टिकल आया, तो वो इनका था जो लोग टबैको सिगरेट ये सब बेचते हैं। तो उन्होंने लिखा, जनवरी के पहले 3-4 दिन हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाता है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है। क्या सिर्फ 3-4 दिन होता है बिजनेस डाउन, क्योंकि हर एक 31 दिसंबर को सोचता है आज से तो मैंने छोड़ दिए। चौथे ये पेपर में आया आर्टिकल फर्स्ट पेज के ऊपर कि इट्स ओनली 3-4 डेज, उसके बाद उनको पता है कि सबने क्या करना है, वापस आ जाना है। आत्मा में ताकत नहीं है तो वो डिसीशन भी लेगी तो वो कर नहीं सकती। आज हम डिसीशन ले लें हमें मैराथन में भागना है तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने शरीर को उसके लिए नहीं एनर्जाइज किया है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, उसके लिए अपने अंदर ताकत भी भरनी है। ओम शांति।